अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हाथी माजिर फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत एक मालूमती वीडियो लेकर आया हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने आपको काफ़ी डिफरेंसेस बताई हैं चीज़ों की, तो आज मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा कि कॉर्न स्टार्च में क्या फ़र्क है, कॉर्न फ्लोर में क्या फ़र्क है, कॉर्न मील में क्या फ़र्क है, मेज़ और कॉर्न किसे कहते हैं। ये पूरी डिटेल मैं आपको खुलकर आज बताऊंगा, आपके सारे जो डाउट्स हैं और कन्फ्यूजन वगैरह है वो सारे दूर हो जाएंगे। चले दोस्तों इसे शुरू करते हैं, इस मालूमती वीडियो को। दोस्तों जैसे मैंने आपको हिंटों में बताया जी, कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर, कॉर्न मील में बहुत फ़र्क होता है, तो लोग इसे एक जैसे समझते हैं, इसे गड़बड़ कर जाते हैं, ना उन्हें पता लगता है कॉर्न स्टार्च क्या है, कॉर्न मील क्या है, और ना इन्हें कॉर्न फ्लोर के फ़र्क का पता लगता है। दोस्तों बेसिकली जो ये तीनों चीज़ें छली से बनती है, यानी भुट्टा से बनती है, और भुट्टा जो है इसे कॉर्न भी कहा जाता है इंग्लिश में, और मेज़ भी कहा जाता है MAIZE हो CORN, कॉर्न हो मेज़ एक ही चीज़ है। दोस्तों जो कॉर्न मील है हमारा, कॉर्न फ्लोर है, कॉर्न स्टार्च है, ये जो है मकई के जो बीज होते हैं बीच में उससे बनते हैं ये तीनों चीज़ें, और इन्हीं का जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर आउट करके इसे हासिल किया जाता है, यानी कॉर्न स्टार्च को, कॉर्न फ्लोर को और कॉर्न मील को। तो मैं आपको सब चीज़ें ये बताऊंगा कि इनकी क्या कैटेगरी है, इनमें क्या क्या फ़र्क है, क्या 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 इस्तेमाल है इन चीज़ों का। मैं थोड़ा सा आ जाए यानी दरदरा सा हो जाए तो उसे हम कॉर्न मिल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों जब हम कॉर्न को खुशक करते हैं और उसे ग्राइंड करते हैं, यानी मोटा मोटा पीस से, तो हमारा वो कॉर्न मिल कहलाता है। तो अगर इसी को हम जो है कॉर्न जो मील हमने पीसा हुआ है इसे फाइन ग्राइंड कर लेते हैं, यानी बहुत ही बारीक फाइन पीसते हैं, तो वो हमारा कॉर्न फ्लोर कहलाता है। और दोस्तों जो कॉर्न स्टार्च होता है ये बहुत ही अलग क्वालिटी का कॉर्न का जो पाउडर होता है, जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थिक करने में इस्तेमाल करते हैं, या जो होते हैं हम कपड़ों के अंदर भी वो स्टार्च इस्तेमाल करते हैं, एक उसमें जो एक अकड़ लाते हैं हम कपड़ों में उसमें इस्तेमाल करते हैं, इससे हम कस्टर्ड भी बनाते हैं और सूप वगैरह को या ग्रेवी को थिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉर्न स्टार्च को। और जो कॉर्न फ्लोर है इससे हम रोटियां पकाते हैं, इसकी जो हम साग के साथ खाते हैं कलफ जिसे कहते हैं। तो आपको स्क्रीन में सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तीनों का फ़र्क जो समझ आ गया होगा, कॉर्न मील का, कॉर्न स्टार्च का और कॉर्न फ्लोर का। सब लोग कॉर्न फ्लोर और कॉर्न स्टार्च को एक चीज़ ही समझते हैं, हालांकि इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है तीनों में। और मैं कॉर्न मील का भी इस्तेमाल आपको बताता हूँ, कॉर्न मील जो होता है पिज़्ज़े के नीचे, बेस के नीचे भी इस्तेमाल करते हैं, और इससे ब्रेड भी बनाई जाती है। दोस्तों कॉर्न मील को पोलेंटा भी कहा जाता है, और पोलेंटा जो है एक डिश होती है जो कॉर्न मील को बॉयल करने से बनती है, जैसे हलवा होता है इस तरह का एक जो है पानी में मिला के कॉर्न मील को जब मिक्स करते हैं गर्म पानी के अंदर और अच्छे तरीके से हलाते हैं, तो फिर उसे एक डिश बनाते हैं। ये पोलेंटा की इंग्लिश कुजीन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैक्सिकन लोग बहुत शौक के साथ खाते हैं इसे कॉर्न मील को, तो वहाँ पे काफ़ी किस्म के जो है कॉर्न मील जो है टाइप्स के मिल जाते हैं। ब्लैक किस्म के भी कॉर्न आते हैं वहाँ पे, जामने कलर के भी आते हैं, रेड भी आते हैं, वाइट भी आते हैं, और येलो भी आते हैं, और ऑरेंज कलर के भी आते हैं। मैक्सिको जो है इसका गढ़ है मकई का, मेज़ का यानी कॉर्न का, तो ये स्टेपल फूड है वहाँ का मैक्सिकन्स का। तो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो कॉर्न फ्लोर होता है इस्तेमाल, उसके बाद कॉर्न स्टार्च होता है इस्तेमाल, और कॉर्न जो मील है वो ज़्यादातर स्पेनिश जो कंट्री है यानी लैटिन अमेरिकन और मैक्सिको वगैरह साइड जो है, सेंट्रल अमेरिका भी, निकारागवा भी उसमें है, कोस्टा रिका भी है, वहाँ पर इसे स्टेपल फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके के साथ सारा फ़र्क मालूम हो चुका होगा कि इन तीनों में डिफरेंट क्या चीज़ है, और जो हमारा कॉर्न होता है वो मेज़ होती है, ये एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता कि एक दूसरे का अल्टरनेट नेम है ये, लेकिन कॉर्न स्टार्च में, कॉर्न मील में और कॉर्न फ्लोर में बहुत फ़र्क है।
और चलें दोस्तों, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा पूरा गाइड करूँगा। और आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके। और मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।